सो गाइस कैसे हो। मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं मंथ 12 आरपी का अर्ली एक्सेस गेम प्ले फाइनल निकल करके आ चुका है। और गाइस हमारे नेट ईयर रिवॉर्ड आ गए हैं, वो भी निकल करके आ चुके हैं कि भाई साहब क्या क्या आने वाला है। जो मंथ 12 के आरपी के रिवॉर्ड है उनका अर्ली एक्सेस गेम प्ले यानी इन गेम के अंदर वो कैसे देखते हैं रिवॉर्ड सारे जोड़ी के अंदर फाइनल दिखाऊंगा एक एक करके, बहुत मजा आएगा। और गाइस मुझे बहुत, तो गाइस देखो सबसे पहले बात करते हैं टायर रिवॉर्ड। अब गाइस ये जो मंथ 12 रॉयल पास आने वाला है इसके अंदर हमारा टायर रीसेट नहीं होने वाला है। इसके बाद में जो हमारा मंथ 13 मतलब ये मंथ 13 जो रॉयल पास आएगा, मंथ 13 रॉयल पास, उसके अंदर हमारे ये टायर रिवॉर्ड चेंज होने वाले हैं। और वो गाइस पूरे टायर रिवॉर्ड फाइल निकल करके आ चुके हैं यानी 2.1 का सबसे पहला यहाँ पर ये देख सकते हैं जो कि हमें मिलने वाला है। भाई साहब ये वाला आउटफिट गोल्ड टियर पे जो कि 5 मैचेस आप खेलोगे तो भाई कितना डिटेल आउटफिट है, ब्लू और व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में, जो कि भाई साहब यहाँ पर एक लेजेंडरी सेट होने वाला है जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। उसके बाद में गाइस ये वाला जो आपको मास्क दिख रहा है ये मिलेगा प्लेटिनम टियर पे, जो कि 5 मैचेस आप खेलोगे तो यहाँ पर आपको ये वाला मास्क मिल जाएगा। ये भी एक लेजेंडरी होने वाला, भाई कितना खतरनाक है। ये पूरा सेट कंप्लीट होगा, उसके बाद में आती है भाई गन। तो गन की स्किन तो हर बार एक टायर रिवॉर्ड पे डालते हैं, इस बार मिलेगी क्यूबीयू की स्किन, भाई पता नहीं क्या डाल दिए उठा के। तो गाइज ये मिलेगी हमें डायमंड टियर पे, भाई साहब कितनी घटिया स्किन डाली है, बट मैं क्या ही नहीं बोल सकता हूँ। तो गाइज ये मिलेगी हमें सीजन 13 में यानी मंथ 13 का रॉयल पास में। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये मिलेगा एस पे आपको ये वाला लेजेंडरी मास्क, उसी आउटफिट का है और ये एस मास्टर पे इसका हेड गियर मिलने वाला है सेट का, ठीक है। तो गाइज ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ये तो आपको पता ही है ये एस डोमिनेटर पे हमें मिलता है ये फ्रेम, ठीक है, आई मीन अवतार, सॉरी फ्रेम तो कॉन्करर पे मिलता है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ साइकिल 2 के रिवॉर्ड, ठीक है। ये साइकिल 2 के रिवॉर्ड तो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ये सारे जो मिथिक सेट है मतलब ले लिए। उसके बाद में आने वाला है साइकिल 3, उसके अंदर यहाँ पर ये हेड गियर आपको मिलेगा, 3 सीजन लगातार आपको करना पड़ेगा डायमंड। तो गाइस ये मिथिक हेड गियर रहने वाला है तो ये आपको मिलेगा, 3 सीजन लगातार आपको यहाँ पर करना पड़ेगा डायमंड कम्प्लीट, तो जब जाके ये मिलेगा। तो गाइस वही हिसाब है जो कि इस सीजन आपने 3 सीजन लगातार कंप्लीट करने के बाद में लिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये देख सकते हो इसका मिथिक सेट, मिथिक हेडगियर तो मैंने आपको दिखा दिया, मिथिक सेट यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके लिए शायद आपको क्राउन करना पड़ेगा लगातार 3 सीजन 3 बैचेस में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये आपको मिल जाएगा ये वाला पूरा सेट जो कि मिथिक होने वाला, जो कि इन्होंने मिथिक देना स्टार्ट कर दिया कहाँ पे, साइकिल के रिवॉर्ड पे, ठीक है। उसके बाद में हवर बोर्ड तो आपको पता ही एस कंप्लीट करते हो लगातार 3 सीजन, तो जब जाके ये वाला आपको हवर बोर्ड कंप्लीटली फ्री मिलेगा पूरा परमानेंट, ठीक है। तो गाइस ये सारे रिवॉर्ड तक दिखाता हूँ मैं आपको मंथ 12 के आरपी, मंथ 12 के आरपी रिवॉर्ड देखने से पहले आपके बहुत सारे अर्ली एक्सेस गेम प्ले फाइनली इसका आरपी 12 का निकल के आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर ये देख सकते हो फर्स्ट कैप्टन हैप्पी सेट, इसका यहाँ पर मैं आपको इन गेम लुक दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये फर्स्ट आरपी पे आपको ये मिलेगा कैप्टन हैप्पी सेट, तो कुछ इस टाइप से इन गेम के अंदर आपको दिखने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर मिलेगी आपको मोसी निगेट की स्किन, तो गाइस ये इन गेम कुछ इस टाइप से दिखेगी, यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आपको मंथ 12 के रिवॉर्ड तो दिखा दिए लेकिन अब बारी आ चुकी इन गेम लुक की, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे यही कहना चाहूंगा, आपने लाइक नहीं किया तो दिल खोल के आप लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज कर दो। उसके बाद में यहाँ पर इसका हेड गियर तो आपने देख लिया है पूरा सूट, जो कि 5 आरपी पे इसी सेट का आपको हेड गियर मिलेगा, कवर यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं तो गाइस यहाँ पर 5 आरपी पे ये पूरा सेट कम्प्लीट हो जाता है। तो उसके बाद में आगे बढ़े, बाकी तो यहाँ पर नॉर्मल चीजें जो कि रॉयल पास के अंदर होती है। 10 आरपी मिलने वाला है यहाँ पर आपको एक बैकपैक की स्किन, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टेलर बैकपैक मिलने वाला है। इन गेम के अंदर आपको कुछ इस टाइप से लुक मिलेगा, देख सकते लेवल 1 लेवल 2 एंड गाइस यहाँ पर लेवल 2 पे कुछ अच्छा दिख रहा है। उसके बाद में लेवल 3 की बात करें तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कुछ लेवल 3 पे ऐसा ही बैकपैक दिखने वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो गाइस ये बैकपैक आपको कैसा लगा, जो कि मंथ 12 की 10 आरपी पे आपको ये वाला पूरा बैकपैक मिलने वाला है, ओके। उसके बाद में गाइस आगे चले, मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको थोड़ी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, बाकी तो ये नॉर्मल रिवॉर्ड है जो कि हर बार की तरह आपको हर रॉयल पास के अंदर देखने को मिलते हैं, वही यूसी बैग, वही फालतू की चीजें, स्क्रैप वगैरह। 15 आरपी के इमोट अगर गाइस मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ यहाँ पर ये विक्ट्री का इमोट होने वाला है, जो कि आप गेम जीत जाते हो तो कुछ इस टाइप से आप करोगे तो कुछ अच्छी फीलिंग आपको देने वाला है, जैसे कि किसी बंदे को मार के उसकी पेटी पे खड़ो के ये वाला इमोट करोगे तो भाई बंदे की जल जाने वाली है लिटरली, ठीक है। तो ये इमोट आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़े, आगे गाइस मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ये इमोट तो वही है, उसके बाद में नीचे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मिलने वाला है अवतार फ्रेम सीजन मतलब मंथ 12 की आरपी का। और गाइस यहाँ पर ये मिलने वाला है स्टन ग्रेनेड, इसकी स्किन मैं आपको इन गेम के अंदर क्या ही दिखाऊं, फालतू की चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आपको अभी तक कौन सा रिवॉर्ड आपको अच्छा लगा मंथ 12 आरपी का जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। 20 आरपी पे आपको मिलेगा यहाँ पर अलर्ट पैराशूट, जो कि फ्री में आपको मिलेगा, आपको बस 20 आरपी कंप्लीट करनी है, तो गाइस ये आपको पैराशूट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो गाइस यहाँ पर कुछ स्पेस टाइप का एक ऑर्नामेंट आपको मिलने वाला है, जो कि भाई साहब आप बैक पे लगा के इसे हिला सकते हो, आई मीन
बैक पे हिलेगा ना तो वो कहने का मतलब है, ठीक है। तो उसके बाद में आगे बढ़े, यहाँ पर देख सकते हो 23 RPB ये मिलेगा इसका। आई का आउटलेयर टाइप का कवर होने वाला है जो कि इसी सूट का मिलने वाला है। सूट भी आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट देख सकते हो। तो ये सूट कुछ इस टाइप से होगा जो कि 23 पे इसका मास्क है, मतलब कवर है। 25 RPB ये पूरा सूट है जो कि देख सकते हो आउटलेयर सेट करके टाइप से। गाइस यकीन नहीं करोगे भाई, इतनी ज्यादा गर्मी कैसे कैसे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मुझे ही पता है भाई कहाँ कहाँ से पसीना निकल रहा है। ओके 28 RPB पे गाइस वन डे सी रूम कार्ड, बाकी तो 29 RPB पे वो दो बाइक है जो कि अपने फ्रेंड को कभी मत भेजना, गर्लफ्रेंड को भेज देना नहीं बना के टीम चैट से। ओके 30 RPB गाइस मिलने वाला है हमें यहाँ पर एक फेयर लैंड फिनिश की स्किन, जो कि प्लान की स्किन उन्होंने इतने डाल दिए जो कि प्लान की स्किन पे हमारा नाम तो आता नहीं प्लान पे, क्योंकि भाई वही आती है 2-4 RPB होती है, क्या ही बोलना है इन्हें फिलहाल। आगे बढ़े यहाँ पर खावी लैंड के साथ में कोलेबोरेशन है इस बार मंथ 12 RPB के अंदर, तो गए उसका इमोट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इन गेम लोग यहाँ पर ये देने वाला है भाई, पेटी पे मारो पेटी को, मतलब बंदे को की पेटी बनाओ उसके पे ये इमोट करो, भाई बताओ क्या करेगा बंदा, मतलब जल जल के जल जाएगा भाई लिटरली, क्या इमोट डाल दिया इन्होंने। तो गाइस ये वाला इमोट आपको बताओ खाली लेम वाला ये इमोट कैसा लगा, मुझे तो बस ठीक ठाक है भाई, क्या बोल रहे, मतलब किस किस के साथ कोलैबोरेशन करोगे भाई, थोड़ा गेम पे ध्यान दे लो। पूरा स्पोर्ट घुसा के रख दिया गेम के अंदर भाई, कुछ गेम पे इनका गेम का मैकेनिज्म मैंने नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। 35 RPB मिलने वाली है Win 94 की स्किन, जो कि मेरा मार के अंदर ओनली चला सकते हो, बाकी मैं इसका इन गेम लुक भी दिखा देता हूँ, बट अर्ली एक्स गेम प्ले आ ही गया तो भाई देख लो, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसी सी स्किन का मुझे इन गेम लुक दिखाना पड़ रहा है जो कि भाई साहब मैंने छुई भी नहीं है आज तक। अभी इन्हें एक बात पूछे भाई साहब, खाली ओग और साथ में तुम्हारी स्कारल और M16 डालने के अलावा तुम आरपी के अंदर कुछ नहीं करोगे क्या भाई, कुछ नहीं करोगे क्या? यहाँ पर 40 RPB पे देख मिलने वाली है मैं ओग की स्किन, जो कि भाई मैं उठाता नहीं है, मतलब मैं इसका उठाता क्यों नहीं है इसका रीजन मैं आपको देता हूँ भाई, इतना ज्यादा इसका मतलब रिलोडिंग टाइम है ना, इतना ज्यादा रिलोडिंग टाइम है, इतनी देर में पनवेल पहुंच जाऊँ भाई मैं लिटरली, बाकी डैमेज तो इतना कम कर दिया ओग का, मैं क्या बोलूँ इन्हें भाई, क्या कर रहे लोंडे ये, ठीक है। उसके बाद 43 पे वो तो वही यूसी बैक है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, आगे 40 RPB भाई इस बार मिलने वाला है मिथिक हेड गियर, जो कि हर बार मिलता है लेजेंडरी, बट इस बार मिलेगा मैं मिथिक। ओके तो मिथिक फैशन की तैयारी कर लो भाई, लोंडे चमकाने की टाइम आ चुका है हमें इन गेम के अंदर। और गई अगर मैं सही बात बताऊँ ना, इस बार का जो मतलब 50 RPB का मिथिक सेट है वो मुझे अच्छा लगा, किसे सिल्वर ने जो एक्सोड आया था रिसेंटली गेम के अंदर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये देखो इन गेम के अंदर कुछ इस टाइप से वाइब आपको देने वाला है, जो कि भाई ये भाई लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर गाइस इसे आप परमानेंट सूट बना मतलब बनाना चाहते हो अपना, तो गाइस मुझे तो ठीक ठाक लगा भाई, मिथिक सेट है ऊपर से देख रहे हो, इस पे डिजाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, बाकी बट ये रेयर चीज नहीं है क्योंकि हर किसी पर रहेगा तो भाई वो चीज अलग है, बट ये सेट बहुत तगड़ा है, लिटरली बहुत तगड़ा है। मैं इसमें 10 में से इसे 8 की रेटिंग देना चाहूंगा, बाकी आप मुझे बताओ। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये देखो, ये आपको मिलने वाला है आरपी एडवेंचर के अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पर 600 ड्रॉप से रीडिंग करना पड़ेगा, लेजेंडरी सेट है क्योंकि इसका नियम लुक यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ टाइप से दिखने वाला है, भाई कितना भयंकर दिख रहा है, पीछे पैन कर दिया किसी ने किला किला। तो गाइस आरपी एडवेंचर के अंदर बहुत आइटम है अभी, बट बाद में दिखा दूंगा, बहुत गर्मी है समझो यार। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला सेट देखो, उसके बाद में आरपी ट्रेजर क्रेट के अंदर ये वाले सारे मिथिक आ रहे हैं, आप निकालना चाहते हो निकाल लेना। यहाँ पर देख सकते हैं रेड कमांडर सेट फाइनली बैक गेम के अंदर आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे रिवॉर्ड है जो कि आपको पहले से चाहिए थे गेम के अंदर, जो कि ओल्ड रॉयल पासिस के हैं। और गाइस आपको बहुत सारे बंदे हैं जो कि इमोर्टल की हजार जैकेट के लिए परेशान है, तो वह टेंशन मत लो, शायद हमें मंथ 13 के रॉयल पास से मंथ 14 के रॉयल पास के अंदर वो सारा पूरा रॉयल पास देखने को मिल जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने सीजन 2, 4, 5, 6, 8 सभी रॉयल पास ट्रेजर के अंदर डाल दिए इन्होंने, तो गाइस वो भी आना बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये सारे आइटम थे आरपी ट्रेजर में, मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपनी फैमिली का, चलाऊंगा भाई धमाकेदार वीडियो के साथ, लव यू ऑल, बी सेफ, बाय बाय।